नरेंद्र मोदी ने 24 के चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन कर लिया है, जीत का सबसे सॉलिड इंडिकेशन दे दिया है। विरोधी मोदी के बजट पर नेगेटिव टॉक कर रहे हैं, लेकिन तब भी मोदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। मोदी ने पॉपुलिस्ट बजट नहीं दिया, जनता को खुश करने के लिए कोई लॉलीपॉप भी नहीं थमाया, फ्री वाली कोई स्कीम मोदी लॉन्च नहीं की उन्होंने। उल्टे मोदी ने टफ स्टैंड लिया है, टफ बजट देश को दिया है और लगे हाथों मोदी सरकार ने ये तक कह दिया है कि जब 2024 में नई सरकार आएगी तो जुलाई में पूर्ण बजट लेकर वो आएंगे। मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या 2024 में हर 10 में से 8 हिंदुस्तानी मोदी को वोट करेंगे? क्या नेशनल लेवल पर 80% वोटर्स मोदी को ही चुनेंगे? नया डेटा, नया सर्वे, नई रैंकिंग क्या इशारा दे रही है? किस राज्य में मोदी को कितनी सीटें मिल रही हैं? बंगाल के 55% लोग 24 में मोदी को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, क्यों? बिहार में 53% लोग मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों? ओडिशा के 95%, हिमाचल के 94%, छत्तीसगढ़ के 92%, आंध्र प्रदेश के 83%, झारखंड के 83%, कर्नाटक के 82%, गुजरात के 76%, असम के 74%, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 71% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं। ये लोग 24 में मोदी को ही जिताना चाहते हैं, क्यों? जवाब मोदी के इलेक्शन मैनेजमेंट और बजट के अरेंजमेंट में है। 24 में जीतेंगे तो मोदी ही, अगला बजट बनाएंगे तो मोदी ही। मोदी ने अभी से टारगेट सेट कर दिया है, चुनाव से पहले ही चुनाव के बाद का एक नया लक्ष्य चुन लिया है। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। सवाल है कि मोदी के पास जीत का कौन सा फॉर्मूला है, 24 में क्लियर मैंडेट पाने का कौन सा नुस्खा है। 1 फरवरी को ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी की अप्रूवल रेटिंग 77% पर है। चुनाव आते आते ये नंबर्स कितने बढ़ेंगे? क्या मोदी 100% के स्ट्राइक रेट हासिल कर लेंगे? ये बात तय है, मोदी ड्राइविंग सीट पर है, तो क्या 24 में हैट्रिक कंफर्म है? मोदी ने सारे बॉक्स टिक कर लिए हैं, इन 4 बॉक्सेस में ही मोदी के हैट्रिक का ट्रिक है। क्या है इन 4 बॉक्सेस में? चलिए पहले इन्हीं बॉक्सेस को खोलते हैं। बॉक्स नंबर 1, जी यानी गरीब। बॉक्स नंबर 2, वाई यानी युवा। बॉक्स नंबर 3, ए यानी अन्नदाता। बॉक्स नंबर 4, एन यानी नारी। युवा, गरीब, महिला, किसान। युवा, गरीब, महिला, किसान। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24. मोदी ने ज्ञान फॉर्मूले पर ही फोकस क्यों किया और क्या ये फैसला अचानक लिया गया या फिर सोच समझकर कई महीनों पहले किया? डिटेल आगे देंगे, पहले ये समझिए कि मोदी के ज्ञान फॉर्मूले का मतलब क्या है। ज्ञान का जी यानी 16 करोड़ गरीब, वाई यानी 15 करोड़ युवा या कहें फर्स्ट टाइम वोटर्स, ए यानी 26 करोड़ किसान या कहें अन्नदाता और एन यानी 47 करोड़ नारी शक्ति। इन सब का नंबर जोड़ दीजिए, टोटल हो जाते हैं 104 करोड़। इन चारों में एक बड़ा वर्ग 2024 के चुनाव में वोट डालेगा। 2019 का नंबर देखिए, तब 60 करोड़ से ज्यादा वोट पड़े थे और उन 60 करोड़ में से बीजेपी को कुल 22,90,78,370 वोट मिले थे। इनमें से 36% गरीब, 41% युवा, 48% किसान और 36% महिलाओं ने मोदी को चुना था। सवाल है कि मोदी का ज्ञान वाला वर्ग यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी 2024 में मोदी की सीटों में, मोदी के वोट शेयर में कितना इजाफा करेंगे।
क्या इसी वर्ग की बदौलत तीसरी बार मोदी कंटिन्यू करेंगे? इसका एक हिंट खुद मोदी ने दिया। ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। मोदी के शब्दों पर गौर कीजिए, चार बार गरीब, चार बार युवा, तीन बार किसान, दो बार महिला, नौ बार भारत, दो बार विकसित, 24 के चुनावी सीजन में इन्हीं शब्दों के बहुत डीप मायने हैं। आज मोदी ने बजट नहीं समझाया, प्रधानमंत्री ने ये समझाया कि 24 के चुनाव के बाद वाला उनका प्लान क्या है। मई में नतीजे आएंगे तो उसके बाद जून में क्या होगा, जुलाई में क्या होगा, मोदी ने ये बतलाया। मोदी चाहते तो अंतरिम बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर 24 में वोट बटोर लेते, मगर उन्होंने मुश्किल रास्ता सेलेक्ट किया, टफ कॉल लिया। मोदी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो लॉटरी बांटने लगता, पैसों का अंबार लगा देता, फ्री 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 वाला पोस्टर दिखाकर वोट बटोर लेता। मगर मोदी ने देश की वित्त मंत्री को क्लियर डायरेक्शन दिया, अंतरिम बजट में रेवड़ी नहीं बांटनी है, सोच समझकर प्रॉमिस करना है, अभी इकोनॉमी ठीक करनी है, ज्यादा खर्चा करेंगे तो आगे का पर्चा खराब हो जाएगा, और बिल्कुल यही हुआ। अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बदौलत मोदी ने देश को मैसेज दिया कि मोदी सरकार का आर्थिक प्रबंधन ऐसा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उन्हें किसी रियायत की जरूरत नहीं है। मोदी के 10 साल का काम बोलेगा। मोदी ने मुफ्त की चीजों के बजाय विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले निवेश पर जोर दिया, और इसके लिए मोदी ने उस ज्ञान वर्ग यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस किया जो 24 में मोदी की जीत का इंजन भी साबित होंगे और भारत की ग्रोथ का इंजन भी बनेंगे। ये बजट विकसित भारत के चार स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। आज जिस इनकम टैक्स रेविजन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने
सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो, इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। गरीब ऐसा भी नहीं है कि मोदी को अचानक अंतरिम बजट में ज्ञान वर की याद आ गई। मोदी तो कई महीनों से इस प्लान पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जो टफ फैसले बजट में लिए उसके बारे में वो दिसंबर से ही सोच रहे थे। दिसंबर 2023 की यह हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है। बीजेपी ज्ञान फॉर्मूला, फोकस ऑन 2024 पोल्स, यूनियन बजट। आप सोचेंगे मोदी का फोकस इस ज्ञान वर्ग पर ही इतना ज्यादा क्यों है। जवाब ये रहा, अलग अलग सर्वे और ओपिनियन पोल्स का डेटा बता रहा है मोदी के साथ 60% से ज्यादा महिलाओं का सपोर्ट है, 45% किसान, 58% गरीब और 50% युवा भी 2024 में मोदी की तरफ ही देख रहे हैं। 23 के अंत में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भी मोदी को लेकर सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई कमी नहीं आई है। मसलन छत्तीसगढ़ के 81%, तेलंगाना के 64%, मध्य प्रदेश के 67% और राजस्थान के 79% वोटर्स मोदी के काम से पूरी तरह संतुष्ट हैं। कमोबेश यही पैटर्न हर राज्य में दिख रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मोदी जिस ज्ञान वर्ग का जिक्र करते हैं हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में, उसी ज्ञान वर्ग ने मोदी के नाम पर बंपर वोट दिया। मोदी विरोधी खेमा 24 के लिए जाति पर फोकस किए बैठा है, यात्रा में वोट की मात्रा ढूंढ रहा है। मगर मोदी ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है, जात पात छोड़ो, उन 4 पर फोकस करो जिसे मोदी सबसे बड़ी जाति बताते हैं और उसी में जीत की गारंटी ढूंढते हैं। इसे उन 4 राज्यों के आंकड़ों से समझते हैं जहां 19 में मोदी ने अपना सपोर्ट बेस यानी ज्ञान वर्ग के वोट को बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में 17% से मोदी की पार्टी सीधे 40% पर पहुंच गई, 2 से 18 सीट जीत गई। त्रिपुरा में 5% से 48% की पार्टी हो गई, 14 में 0 से 19 में 2 सीटें जीती। ओडिशा में 21% से 38% पर पहुंच गई, 1 सीट से 8 सीट जीत गई। तेलंगाना में 11% से 19% पर पहुंच गई, 14 में 1 से 19 में 4 सीटें जीत गई। इन राज्यों का पैटर्न यही इंडिकेशन देता है कि 24 में यहां से मोदी के लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर आ सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसे बंगाल के एक सर्वे से समझिए। बंगाल में एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसने इंडी अलायंस के साथ साथ ममता बनर्जी की भी नींद उड़ा दी है। इस सर्वे में पता चला है कि बंगाल के 55% लोग 2024 में नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसी सर्वे में 20 से 25% लोगों की राय में ममता बनर्जी पीएम पोस्ट की दावेदार हैं, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोगों को लगता है कि राहुल 2024 में पीएम बन सकते हैं। बंगाल में मोदी के फेवर में 55% के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें एक बड़ा वर्ग इसी ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी वर्ग का है। और अगर इसे पैन इंडिया लेवल पर 19 के आंकड़ों से समझना हो तो एक और डेटा देखिए। 2019 में बीजेपी को रूरल इंडिया से 37%, सेमी अर्बन इंडिया से 33% और अर्बन इंडिया से 41% वोट मिला था। 36% गरीब, 36% लोअर इनकम ग्रुप, 38% मिडिल क्लास और 44% अपर मिडिल क्लास ने मोदी को वोट दिया था। और इस गायन के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी 400 का आंकड़ा पार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीधा आपको ले चलते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की
हृदय से बधाई देता हूं और आज से प्रारंभ हो रहे वर्ष 2024 के उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र शुभारंभ के अवसर पर सभी माननीय सदस्यों का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सत्र का शुभारंभ अभी कुछ देर बाद माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा। अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के शुभारंभ का पहला जो बिजनेस होता है वह विधानमंडल में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से ही शुरू होता है। बजट सत्र है तो वर्ष 2024-25 का बजट भी इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानमंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आय व्यय को लेकर के सदन में चर्चा होगी। सत्र प्रारंभ होने के पहले दलीय नेताओं से संबंधित बैठक और उससे पूर्व बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी संपन्न होकर के जो कार्ययोजनाएं तय हुई हैं उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तैयारी भी की है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल 25 करोड़ जनता जनार्दन की आशा आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का एक केंद्र है। जनता से जुड़ी हुई हर सुख दुख से जुड़ी हुई घटनाओं को उल्लास और विलास विषाद से जुड़ी हुई घटनाओं का ये साक्षी है। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल पिछले 5-6 वर्षों के अंदर लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है। सकारात्मक मुद्दों पर, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर हर माननीय सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है।